माधवी, ऐसे क्या देख रही हो? मार डाला काय? क्या रोमांटिक कविता लिखी थी आपने मेरे लिए वैलेंटाइंस डे पे। आहाहा, दिल मचल रहा है मेरा। लेकिन माधवी तुम ऐसे मुझे मत देखो, मेरा भी दिल मचल रहा है। तो मचलने दो, उस बहाने एक रोमांटिक कविता और लिखेंगे आप मेरे लिए। प्लीज अभी सुनाइए ना, प्लीज प्लीज अभी। हाँ, अभी 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 प्लीज ना। ठीक है। हाँ। अर्ज किया है इशाद। रंग भरे बादल से, ओह तेरे अखियों के काजल से, रंग भरे बादल से तेरे अखियों के काजल से, मैंने इस हृदय पे लिख दिया तेरा नाम। माधवी, ओ मेरी माधवी। ओ हो काय मस्त चांदनी फिल्म का ना। क्या आप चीटिंग कर रहे हैं शिक्षक होकर? वही तो ना माधवी, मैं शिक्षक हूँ, कवि थोड़ी हूँ। ऐसे कैसे फटाफट कविता सुना दूँ? हेलो माधवी, उमा बोलती है, कशी है? उमा ते, हाँ बोला बोला, काय म्हणताय? अरे पता चला है तूने नया स्कूटर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मस्त मस्त। स्कूटर का कलर कौन सा है? हल्दी पापड़ का कलर होता है ना, अगदी वैसे। वाह, येलो इसलिए हल्दी पापड़। अगर लाल होता तो क्या होता? अचार का मसाला। और अगर हरा होता तो कच्ची कैरी। अरे येलो खूब छान, मस्तच। थैंक यू। वैसे नरेंद्र भाऊजी, कौस्तुभ, अथर्व कैसे है सब? एकदम बरे आहेत। हाँ, उनको हमारी याद देना। हाँ नक्की नक्की। सोनू आणि भिडे भाऊजी कैसे है? हाँ हम लोग सब मजे में हैं। मत ही कितना टाइम हुआ आप घर पे ही नहीं आए हो। आप लोग घर पे आइए ना कभी। अरे येणार येणार, लेकिन तुम लोग ने नया स्कूटर लिया है तो तुम लोग को पहले घर पे आना पड़ेगा। नक्की नक्की। चलो माधवी, ऑफिस में बहुत काम है, फोन रखती हूँ। ओके बाय बाय। आओ अपने नए स्कूटर से उमा ताई के घर। नहीं जा सकते। अरे का है माधवी, अपने स्कूटर का नंबर कहाँ आया अभी तक? अरे कितने दिनों में नंबर नहीं आया स्कूटर को। नए स्कूटर का फायदा क्या है फिर? कहाँ जाना है हम लोगों को पता है? सिद्धिविनायक, नेशनल पार्क, चौपाटी, फिर आइसक्रीम। ओहो माधवी, मेरा भी मन हो रहा है जाने का, लेकिन जब तक अपने स्कूटर को रजिस्टर्ड नंबर नहीं मिलता हम लोग स्कूटर लेकर कंपाउंड के बाहर भी नहीं जा सकते। अब स्कूटर डीलर को फोन कीजिए ना जल्दी से। मैंने किया था माधवी, कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं दे रहा है। बार बार बोल रहा है कि 2 दिन बाद फोन करो, 2 दिन बाद फोन करो। आप एक काम कीजिए, चंपक चाचा जी से मिलिए, उनकी पहचान से स्कूटर लिया है ना हम लोगों ने, तो वो फोन करेंगे ना तो लगेज काम हो जाएगा। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मैं अभी जाकर चंपक चाचा से मिलता हूँ। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। दया। हाँ। तू मेरी जिंदगी की खुशियों की सीढ़ी है, मैं तेरा रिमोट और तू मेरा LCD है। टप्पू के पापा तो नींद में है। मैं तेरा उंधियू, तू मेरी पूरी है, तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। बस भी कीजिए। अरे टप्पू के पापा 8 बज गए। अरे उठिए उठिए, अरे फास्ट दौड़ रहे हैं घड़ी के कांटे, कहीं बापूजी आकर आपको ना डांटे। अरे चैन से सोने दे मेरी नींद की दुश्मन, मुझे तब उठाना जब घड़ी में बजे 8:55। दिल की धड़कन। सूरज दादाजी का कब का हो गया है आगमन? आप जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए मेरे साजन, आपके लिए मैं बनाती हूँ फटाफट नाश्ते का भोजन। चलिए चलिए, उठिए ना उठिए। अरे एक सेकंड, अरे जल्दी जल्दी जल्दी। वाह 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 वाह, चलिए 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 चलिए। अरे क्यों बिगाड़ी नींद मेरी, क्यों छुड़वाई रजाई, देख नाना वाना बाद में, पहले लाओ चाय। चाय नहीं, आपको करने जाना है। नहीं नहीं, चलिए 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 चाहिए। नाना चाय चाय ला, तू पहले चाय ला, पहले चाय। नहीं पहले चाय चाय, तू चाय दे। अरे अच्छा ताकत, आप देखिए अमदाद का पानी। अच्छा ओ अच्छा, दिखा दिखा अमदाद का पानी दिखा। कहाँ से आ गई? हाँ दिखा। अरे अभी देखना। ओहो सीताराम क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रही है दाया? मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? क्या मैंने क्या किया? तूने अचानक टूवल छोड़ दिया इसलिए मैं भटकाया। आप नहाने चले जाते तो ऐसा होता ही नहीं ना। अभी तो तुम नहाए नहीं हो, कमाल है। अरे सूरज कब का सर पे आ गया, पूरी दुनिया जाग गई, बच्चे स्कूल चले गए, सभी अपने काम पे चले गए, वहाँ पे गांव में किसान खेतों में काम करने चले गए, देश आगे बढ़ गया, लेकिन तुम अभी तक नहाए नहीं हो। तुम आज सुबह सुबह क्या घर घर जाके ये चेक कर रहे हो कि कौन नहाया कौन नहीं नहाया? चेचे मैं तो चाचा जी से मिलने आया हूँ। कहाँ है चाचा जी? बोल बिल्ली मास्टर। अरे चाचा जी आइए आइए बैठिए। हाँ। मतलब बैठ के बात करें। हाँ आजा आजा। हाँ बैठिए बैठिए भिड़े भाई, मैं आपके लिए मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ। हाँ लेके लेके, मेरे लिए भी चाय लेके। आज नहाए बिगड़े चाय पीनी है। ये बैठिया, तू अभी तक नहाया नहीं है? नहीं ना बापूजी, मैं नहाने ही जा रहा था कि ये भिड़े आ गया, फिर आ गया तो पिछले आधे घंटे से मुझे बातों में उलझा कर रखा है इसने। ये सूरज सर पे आ गया है, बच्चे खेत में पहुंच गए हैं, न किसान स्कूल में पहुंच गए हैं, न देश आगे बढ़ गया है, न ऐसा सब। अच्छा तो मेन बात तो बोली ही नहीं। ए देखो अभी तक मुझे छोड़ नहीं रहा। देखो छोड़ बेटा छोड़ो, जा भाई जा, तू नहाने जा। थैंक यू बापू जी। बोल मेरी मास्टर। हाँ तो चाचा जी माफ करना सुबह सुबह आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन आपसे एक अर्जेंट काम है। अरे उसमें तकलीफ क्या, तेरा ही घर है, तू कभी भी आ सकता है। बोल बोल। भैया भाई ये लीजिए चाय। हाँ थैंक यू थैंक यू। अरे चाचा जी आप नहीं, मैंने पी। हाँ चाचा जी बात दरअसल ये कि आपकी मदद की वजह से मेरे पास नया स्कूटर आ गया। देख भाई बिल्ली मास्टर, अब स्कूटर के लिए तू मुझे थैंक यू मत बोलना, और मैं तो कहता हूँ भूल जा, अब स्कूटर की बात भूल जाए, दूसरी बात कर। भिड़े भाई मैं हमेशा टप्पू को बापूजी का ये गुण सीखने को कहती हूँ, खुद की तारीफ मत सुनो, भला करो और भूल जाओ। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि ये स्कूटर। अरे भाई फिर स्कूटर की बात कर रहे हैं, बोला ना तुझे स्कूटर की बात मत कर। नहीं नहीं आप मेरी बात तो सुनिए कि ये नहीं मास्टर तू तो जीत पे अड़ा हुआ है, बोला ना तुझे स्कूटर की बात मत कर, भूल जाओ। पर चाचा जी। भिड़े भाई देखिए स्कूटर लाने में बापूजी ने जो मदद की उसकी तारीफ सुनना बापूजी को अच्छा नहीं लगता है, आप प्लीज स्कूटर की बात मत कीजिए, कोई दूसरी बात कीजिए ना। लेकिन दया भाभी मैं दूसरी बात क्यों करूं, मैं स्कूटर की बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अरे भाई बिल्ली मास्टर तेरी टेप तो स्कूटर पे ही अटक गई है। बहू एक काम कर, अंदर से टेप लेके आ, ये भीड़े के मुंह पे लगा देता हूँ। एक मिनट आप मेरी बात तो सुनिए, मैं दूसरी बात करने यहाँ पे आया हूँ। दूसरी बात? अरे अभी तो तूने बहू से कहा ना कि मैं दूसरी बात क्यों करूँ, मैं तो स्कूटर की बात करने आया हूँ। दरअसल बात यह है कि वो जो स्कूटर है। अरे फिर स्कूटर उसका अभी तक नंबर नहीं आया है चाचा जी, ये बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ओह अच्छा। क्या है मैंने डीलर को अपनी तरफ से फोन किया था, लेकिन वो हमेशा यही बोल रहा है कि 2 दिन बाद फोन करो, 2 दिन बाद फोन करो। तो मैंने सोचा कि आपकी पहचान है वहाँ पे, अगर आप फोन करेंगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। भाई अब टप्पू के पापा को बोल देते, वो उनको फोन करते हैं। क्या किसे फोन कर रहा है? अरे भाई जेठिया वो नाचिया के बेटे भरत को फोन लगा के पूछ कि ये भिंडी मास्टर के स्कूटर के नंबर का क्या हुआ। क्या बात कर, अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं ना। अरे तो फोन करो उसे, किया था, बोल रहे कि 2 दिन बाद फोन करो। तो ठीक है 2 दिन बाद फिर से फोन करना। अरे लेकिन ऐसा तो वो कई दिनों से बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? रुक रुक अभी तेरे सामने फोन लगाता हूँ उसको, रुक। हाँ भरत क्या है? हाँ बस मैं मजे में, बापू जी भी मजे में एकदम, और नाता काका है ना। अच्छा सुन भाई, वो हमारे सेक्रेटरी साहब है ना आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, सोसाइटी के सेक्रेटरी, तो उनका स्कूटर तेरे शोरूम से लिए है, तो उसका वो नंबर अभी तक आया नहीं भाई। ठीक है ओके ओके। हाँ ठीक है ठीक है ओके। क्या कहा उसने? बापू जी वो अभी राजकोट में अपनी साली की शादी में जरा बिजी है, तो बोल रहा है शायद कल वो आ जाएगा मुंबई, तो बोला कि कल फोन करना, एक बार बात कर लेते। तो कल मैं वापस उसको फोन करूंगा भिड़े, और फिर वो जो बोलता है तुझे बताता हूँ। ठीक है ओके ठीक है। थैंक यू जेठालाल। अरे हाँ। और चिंता मत कर, कुछ हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा। हाँ 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 थैंक यू चाचा जी। हाँ चल दया तू मुझे चाय। अरे दया कहाँ गई? लीजिए टप्पू के पापा। अरे हाँ हाँ दया, मैं सूरज दादा को जल अर्पण करूँ, तब तक जरा चाय नाश्ता देते फटाफट। ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। तो मशहूर डांस मास्टर गणेश आचार्य जी है। गणेश भाई, अरे जीटा भाई, आप मुझे मेरे नाम से जानते हैं? अरे जीटा भाई, आपके नाम से क्या, आपके काम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक और आपके शौक जलेबी पापड़ा और आपका आफ्टर शौक सुंदरलाल सबसे वाकिफ हूँ। मैं आपकी पूरी कुंडली जानता हूँ। कैसे? अरे जीठा भाई, मेरे घर में और ऑफिस में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से आता है। और चाहिए तो पूछ लीजिए नट्टू काका और बागा से। अरे ये नट्टू काका और बागा ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते ही नहीं है। गणेश भाई प्लीज जरा मेरे घर पे आएंगे, बापू जी और दया भी आपसे मिलकर बहुत राजी होंगे, बहुत खुश होंगे। प्लीज प्लीज ना मत कहना, आइए ना, आएंगे प्लीज। इधर ही यही मेरा घर है, इधर से सीढ़ी है, प्लीज आइए ना प्लीज। अरे जेठा भाई, आप इतने प्यार से बुलाते तो बारात जाते और दूल्हा भी आपके घर आ जाए। मैं तो अभी आता हूँ। थैंक यू, आइए प्लीज, आइए यहाँ से, आइए प्लीज, आइए कल यहाँ से सीढ़ी, आइए आइए प्लीज, आइए जीठा भाई के घर पे। अरे हाथी भाई, अरे पोपट भाई, अय्यर भाई, जल्दी आइए। दया, अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? और क्या हुआ? अरे बापू जी वो आ रहे हैं। अरे सुंदर वीरा नहीं, अरे वो गणेश जी आ रहे हैं। अरे गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश जी पधारे। बोलो गणपति बाप्पा। अरे गणपति बाप्पा मोरिया नहीं, गणेश जी आचार्य जी, वो हिंदी फिल्मों के वो मशहूर नहीं है डांस मास्टर जी, जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन को डांस का वो सिखाते हैं कैसे करने का वो सब, वो गणेश जी आचार्य जी वो आ रहे हैं यहाँ पे। वो किसी देश को में जाए, किसी होटल में खाए, और वो भी है ना उनका What is mobile number? What is dial number? What? हवन करेंगे। वो गाना भी उनका ही है ना? ओ ये हमारे घर पे आ रहे हैं। क्यों? जेठा भाई? अरे आइए गणेश जी, आइए बापू जी। नमस्ते गणेश जी। ये दया भाई। बैठो। गणेश भाई, पहले आप ये बताइए आप क्या पियेंगे, चाय, कॉफी, ठंडा? खाएंगे क्या, थेपला, खाकरा, खानवी, खमन, ढोकला, कचौरी, सेव पापड़ी, जलेबी, मोहनथाल? सभी ले आइए। फंस गई ना, घर में जितनी चीजें हैं उतनी बोलनी चाहिए ना, उस समय जो भी याद है सब बोल गई। घर में ये सभी चीजें हैं। आई क्या बात है गणेश बेटा, आज अचानक हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में? सॉरी चाचा जी, पहले मैं खा लूं। क्या है ना, मैं बहुत टेंशन में रहता तो भूख ज्यादा लगती। अच्छा गणेश बेटा, तुम कुछ टेंशन के बारे में कह रहे थे, क्या टेंशन है तुम्हें? अरे क्या खिला दिया तूने गणेश जी को, कितना तीखा क्या था उसमें, बेचारे रो रहे। नहीं, नाश्ता बहुत अच्छा है। तो फिर हम रो क्यों रहे, नाश्ता खत्म हो गया इसलिए? नहीं, वो है ना मेरा एक जुड़वा भाई है, वो मुझसे कुछ ही मिनट छोटा है, वो कहीं खो गया है। अरे बाप, इसीलिए रो रहा हूँ। ओहो, आपका भाई खो गया? कब खो गया? बचपन में। गणेश भाई, मेरा मन कहता है कि आपका भाई जरूर मिल जाएगा। बचपन में मेरा भाई भी खो गया था, अहमदाबाद में एक बार सर्कस आया था तो तो वो देखने के लिए मैं, माँ और सुंदर हीरा गए थे और अचानक ही मेरा सुंदर हीरा खो गया। तुम सबकी जान ताड़वे चिपक गई थी। ताड़वे? नहीं, ताड़वे। ताड़वे। हाँ अच्छा। पूरे 5 घंटे के बाद मिला था मेरा हीरा। फिर आपका भाई कहाँ से मिला और क्यों मिला? क्या? कुछ नहीं है। कहाँ से मिला? शेर के पिंजरे में से। शेर के पिंजरे में से? वो आराम से सो रहा था। अरे बाप रे। अरे चिंता मत कीजिए, शेर पिंजरे में नहीं था। क्यों? कहाँ गया था? वो बाहर गया था। सुंदर को पिंजरे में सुला के? नहीं, बेचारे शेर को बुखार था ना, तो वो डॉक्टर को मिलने गया था। बोलो, सुंदर को मिल के शेर को भी बुखार आ गया? क्या? कुछ नहीं। अरे भाई, अभी गणेश जी के भाई गुम हो गए, उनकी बात चल रही है, तू बीच में अपने भाई की बात कहाँ घुसड़ रही है? सॉरी। अच्छा गणेश बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा भाई कैसे खो गया? पता नहीं, बस खो गया। अच्छा, दिखने में कैसा है? जब खो गया था तो इतना था, नहीं इतना था, नहीं इतना था, पता नहीं कितना था, पर था। और उसे ढूंढते मैं पतला हो गया। बस उसे ढूंढते ये पता चला है कि वो मेरे जैसे खाते पीते घर का दिखता है, और मुझे पता चला है वो यहाँ गोकुलधाम में पाया गया है। तो पानी जो भैया। अरे शांत हो जाओ। थैंक यू। बापू जी को भी बुलाइए। गणेश बेटा, मैं अभी आया है, 1 मिनट। तुम रोना मत, मिल जाएगा, तुम्हारा भाई मिल जाएगा। हाँ बोल जाओ। बापू जी, पापा, मुझे पता चल गया है गणेश भाई का खोया हुआ भाई कौन है। हाथी भाई। हाथी भाई? लेकिन हाथी भाई ने तो आज तक हम में से किसी को नहीं बताया कि वो बचपन से खोए हुए हैं। बेचारे हाथी भाई बचपन में छोटे थे ना, तो उनको कैसे पता होगा कि वो गुमशुदा लोगों में से एक है। एक और बात गौर कीजिए, हाथी भाई और गणेश भाई की कितनी सारी बातें मिलती जुलती है। गणेश भाई और हाथी भाई दोनों एक जैसे ही अलमस्त है। हाँ, दोनों खाने के शौकीन है और दोनों को टेंशन में ज्यादा भूख लगती है। और गणेश भाई के पास पक्की खबर है कि उनका खोया हुआ भाई गोकुलधाम सोसाइटी में ही है। हाँ, तो गोकुलधाम में हाथी भाई के सिवा और कौन उनका भाई हो सकता है? हाँ, बराबर है बहू, बराबर है। मेरा मन भी यही कहता है कि हाथीड़ाई उसका खोया हुआ भाई। हाँ, हमें दोनों बिछड़े हुए भाइयों का मिलन करवाना ही चाहिए। कहाँ खो गई थी? गणेश भाई और हाथी भाई दोनों भाइयों का मिलन देख रही थी। हाँ? सॉरी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हम हाथी भाई और गणेश भाई को सरप्राइज देते हैं। तू हाथी भाई के घर पे जा और उनको सोसाइटी कंपाउंड में लेके आ, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी बांध के। और बापू जी, हम दोनों गणेश भाई की आंखों पे पट्टी बांध के उनको सोसाइटी कंपाउंड में लेके जाएंगे। दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्में याद है आपको, जब बचपन में दो भाई बिछड़ जाते थे, बड़े होके मिलते थे। ठीक वैसा ही गोकुलधाम में होने जा रहा है। यहाँ पे दो बिछड़े हुए भाई मिलेंगे तो सोचिए कितना हंगामा होगा। भाई, खो तो बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी से गई है। बच्चों का बचपन खो गया है, उनकी मासूमियत खो गई है, हमारा रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखना खो गया है। और वैसे हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से हंसी और खुशी कहीं खो न जाए, इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और सोचिए, जब हाथी भाई और गणेश आचार्य मिलेंगे तो कितने हंगामे होंगे। नए हंगामों के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.